ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट के बारे में अहम मालूमात, जिनके बगैर गवादर में लगने वाले इंडस्ट्रीज का गुजारा नामुमकिन है। 10 बिलियन यूएस डॉलर्स की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट को माहिरीन माशियात पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इंतहाई अहम करार दे रहे हैं, मगर एक लंबा अरसा गुजरने के बावजूद इस प्रोजेक्ट पर अब तक सिर्फ निसफ काम ही मुकम्मल हो पाया है। इस मेगा प्रोजेक्ट की सुस्त रवि में भारत और अफगानिस्तान का अहम किरदार है। ये दोनों ममालिक कोई न कोई बहाना बनाकर इस प्रोजेक्ट को मजीद आखिर का शिकार क्यों कर रहे हैं? बारा का इस प्रोजेक्ट में शमूलियत के पीछे क्या मकासद है? हिंदुस्तान इस प्रोजेक्ट को क्यों मुकम्मल होने नहीं दे रहा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों बार बार इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर जोर दे रहा है? क्या पाकिस्तान के पास इस प्रोजेक्ट का अल्टरनेट मौजूद है या नहीं, जिससे ग्वादर में लगने वाली सनअतों को मुश्किलात का शिकार होने से बचाया जा सके? चाइना और रशिया इस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या पाकिस्तान, ईरान और रशिया को इसी प्रोजेक्ट की वजह से इंडियन ब्लॉक से निकालने में कामयाब हो पाएगा, या एक बार फिर ईरान और रशिया इसी प्रोजेक्ट की वजह से पाकिस्तान से दूर होते नजर आएंगे? ये मेगा प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के लिए क्यों अहम है? अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है तो हिंदुस्तान कितने मिलियन डॉलर्स माहाना पाकिस्तान को अदा करने का पाबंद होगा? जिस प्रोजेक्ट में शमूलियत को हिंदुस्तान अपनी जीत बताते थकता नहीं था, इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने में क्यों रुकावटें डाल रहा है? क्या अब मोदी और इनकी हुकूमत को इस बात का एहसास होने लगा है कि दरअसल इस प्रोजेक्ट में शमूलियत की वजह से रशिया और ईरान ने सीपेक में शमूलियत का ऐलान किया था? इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि हिंदुस्तान सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट को कैसे नाकाम करने की कोशिशें कर रहा है। हिंदुस्तान ने सीपेक के खिलाफ कितनी बड़ी फोर्स कायम कर रखी है? अब हिंदुस्तान ने सीपेक को नाकाम करने के लिए पाकिस्तान में कितने दहशतगर्द हमले करवा चुका है, और सीपेक के खिलाफ काम करने वाले इन दहशतगर्दों को अब तक हिंदुस्तान कितने डॉलर्स अदा कर चुका है? क्या हिंदुस्तान अगले चंद सालों में ब्लैक लिस्ट होने जा रहा है? सीपेक के खिलाफ हिंदुस्तान कौन कौन से पाकिस्तान के गद्दारों को इस्तेमाल कर रहा है, और इनको ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? ट्रेनिंग के बाद इन्हीं दहशतगर्दों को किस तरह पाकिस्तान पहुँचा दिया जाता है, और इन्हें कौन सी खास हिदायत दी जाती है? हर दहशतगर्दी के वाकये को इंडियन एजेंसियाँ कैसे मॉनिटर कर रही है, और इनके करीबी दहशतगर्द ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ मौजूद है, और ये सेंटर्स किस तरह चलाए जाते हैं? इन सब के अलावा और भी अहम मालूम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे हिंदुस्तान सीपेक के प्रोजेक्ट को नाकाम करने के लिए खजाने का मुंह दहशतगर्द तंजीमों के लिए खोल चुका है। मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में वीडियो के बारे में अपनी राय से हमें आगाह जरूर करें। अब बात करते हैं तमाम टॉपिक्स पर तफसील के साथ। सबसे पहले बात करते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट की, जिसे पाकिस्तान की सनअती ग्रोथ के लिए इंतहाई अहम करार दिया जाता है। 10 बिलियन यूएस डॉलर्स की टोटल लागत से शुरू किया जाने वाला ये मेगा प्रोजेक्ट आज से तकरीबन 20 साल पहले शुरू किया जा चुका था। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से बनने वाले इस प्रोजेक्ट की टोटल लंबाई तकरीबन 2000 किलोमीटर है, और ये प्रोजेक्ट इस खिते के चार इंतहाई अहम ममालिक से होकर गुजरता है। ग्वादर से गिलगित बल्तिस्तान के खंजरा तक की टोटल लंबाई इस मेगा प्रोजेक्ट की कुल लंबाई से तकरीबन 400 किलोमीटर कम है। इब्तदाई तौर पर इस मेगा प्रोजेक्ट को पाकिस्तान ने दीगर दो ममालिक के साथ मिलकर शुरू करने का ऐलान किया था, मगर कुछ ही अरसे पहले हिंदुस्तान भी इस मेगा प्रोजेक्ट में उल पड़ा। हिंदुस्तान की इस प्रोजेक्ट में शमूलियत पर पाकिस्तान ने इसलिए कोई एतराज नहीं उठाया क्योंकि इससे हिंदुस्तान हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान का मोहताज रहेगा, और सालाना तकरीबन 200 मिलियन से 250 मिलियन डॉलर्स हिंदुस्तान को पाकिस्तान के कौमी खजाने में इस प्रोजेक्ट की रॉयल्टी की मद में जमा करवाने पड़ेंगे। इस प्रोजेक्ट में शामिल चार ममालिक में से सिर्फ एक कंट्री ने अपने हिस्से का कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल किया है, और पाकिस्तान और एशियन डेवलपमेंट बैंक और एक तुर्कमानिस्तानी कंपनी और चंद हुकूमती ऑफिशियल्स के दरमियान कई मीटिंग्स हो चुके हैं, जिनमें इस प्रोजेक्ट की कई अहम इश्यूज को जेर बहस लाया गया है, और हुकूमत पाकिस्तान की मुतल्लिका डिपार्टमेंट को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट पर बहुत जल्द पेशरफ्त होगी। ये प्रोजेक्ट तुर्कमानिस्तान से शुरू होकर अफगानिस्तान से होता हुआ
पाकिस्तान में दाखिल होगा और पाकिस्तान के डीजी खान मुल्तान से होता हुआ हिंदुस्तान के फजिलका शहर में दाखिल होगा जो कि मुल्तान से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर वाका है। इस मेगा प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान ने इस वक्त संजीदगी के साथ काम करना शुरू किया जब सीपेक के मंसूबे के तहत पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में चाइना ने बड़े इंडस्ट्रियल जोन लगाने का फैसला किया और पाकिस्तान को इस बात का एहसास होने लगा कि गवादर में लगने वाली इन तमाम सनअतों के लिए ईंधन की जरूरत को पूरा करने के लिए मादनी तेल के इस्तेमाल के बजाय तुर्कमानिस्तान से कुदरती गैस हासिल करके इस्तेमाल करना कई गुना बेहतर ऑप्शन मौजूद है। मगर पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान किए गए इस एग्रीमेंट में कुछ ऐसी शराइत भी मौजूद थी जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदायक थी, जैसा कि हुकूमत तुर्कमानिस्तान की यह जिम्मेदारी थी कि वो गैस पाइपलाइन अफगानिस्तान के बॉर्डर तक लाए और इसी हिसाब से पाकिस्तान को कीमत अदा करनी थी, यानी जो गैस की लीकेज अफगान तुर्कमानिस्तान बॉर्डर से पाक अफगान बॉर्डर के दरमियान होगी इसकी कीमत भी हुकूमत पाकिस्तान को अदा करना था। मगर हालिया हुकूमत ने इसकी मुखालिफत कर दी है और ये शर्त रखी है कि पाकिस्तान इस गैस की कीमत अदा करने का पाबंद होगा जो हुकूमत तुर्कमानिस्तान पाक अफगान बॉर्डर तक पहुँचा कर देगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे तकनीकी नकाइस पर पाक तुर्कमानिस्तान के दरमियान बात चल रही है जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएंगी और इस प्रोजेक्ट पर बहुत जल्द पाकिस्तान में काम शुरू होगा क्योंकि तुर्कमानिस्तान ने अपने हिस्से का काम आज से कई साल पहले ही मुकम्मल किया है, यानी तुर्कमानिस्तान ने गैस फील्ड से अफगानिस्तान के बॉर्डर तक गैस पाइपलाइन का काम मुकम्मल किया है। यहाँ एक और अहम बात बताना जरूरी समझता हूँ, वो ये कि पाकिस्तान, रशिया और चाइना ने तो ईरान के साथ इसी से मिलता जुलता मंसूबा शुरू कर रखा है और ईरान ने भी गैस पाइप, गैस और तेल के फील्ड से पाकिस्तान के बॉर्डर तक पाइपलाइन बिछाने का काम मुकम्मल किया है। पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल करना चाहता है मगर ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों की वजह से इस प्रोजेक्ट पर काम फिलहाल नहीं किया जा सकता और अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान, चाइना और रशिया के साथ मिलकर ईरान से गैस हासिल करने के बजाय अफगानिस्तान, इंडिया और तुर्कमानिस्तान के साथ मिलकर तुर्कमानिस्तान से गैस हासिल करे। इससे अमेरिका का ये फायदा होगा कि वो किसी न किसी तरह से चाइना, ईरान और रशिया को एनर्जी के मंसूबों से दूर रखने में कामयाब हो पाएगा। इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान को पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर काम करने से रोक रहा है। टारी के इस प्रोजेक्ट से रोजाना 3.2 बिलियन क्यूसी फीट गैस रोजाना के हिसाब से तुर्कमानिस्तान सप्लाई करेगा जिसमें से 500 मिलियन अफगानिस्तान, 1325 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पाकिस्तान और इतनी ही गैस हिंदुस्तान हासिल कर पाएगा। सन 2000 के आखिर तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होना था मगर अब 2021 के पहले सहमाही से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा और 2024 के आखिर तक इसे मुकम्मल किया जाएगा। अब बात करते हैं हिंदुस्तान के इस प्लान के बारे में जिसके तहत हिंदुस्तान, चाइना और पाकिस्तान के इश्तराक से बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट सीपेक को नाकाम करने की कोशिशें कर रहा है। हिंदुस्तान ने सीपेक को नाकाम करने के वास्ते मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों से तकरीबन 700 अफराद को अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में मौजूद इंडियन दहशतगर्द कैंप्स में बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग फराहम करना शुरू किया है। इस सिलसिले में हिंदुस्तान इन दहशतगर्दों को माली मामलत के साथ साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फराहम कर रहा है। हिंदुस्तान ने अब तकरीबन 1 बिलियन यूएस डॉलर सीपेक को नाकाम करवाने की खातिर खारिज कर रखे हैं। हिंदुस्तान इन दहशतगर्द ग्रुपों के लोगों को मुख्तलिफ ममालिक के जरिए पाकिस्तान में दाखिल करने की कोशिश करता है। इन ममालिक की लिस्ट में अफगानिस्तान सर फहरिस्त है और यही वजह है कि हिंदुस्तान समेत तमाम पाकिस्तान मुखालिफ इंडियन सियासी एजेंट पाक अफगान बॉर्डर फेंसिंग और वीजे की बड़ी शिदत के साथ मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि इनकी मौजूदगी में हर शख्स पाकिस्तान की फोर्सेस की नजरों से गुजरेगा और इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में हिंदुस्तान आलमी सतह पर एक दहशतगर्द स्टेट के तौर पर जाना जाएगा और यही इनकी असल पहचान है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।